इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाय, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मैं साउथ मुंबई में हूँ और हमारे साथ है गनी भाई और अदीप भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस अदीप भाई। अदीप भाई का परिचय मैं ऐसे करा दूँ कि कॉन्टैक्ट कैसे हुआ। अदीप भाई, कुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल अस हाउ डिड वी गेट इन टच। वो बकरे की स्टोरी बताइए। एक्चुअली फहद भाई, वो बकरा अपना जो निंजा है, इंशाल्लाह वी विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट गोट एज़ वेल। इंशाल्लाह। फिलहाल व्हाट वी हैव एट द मोमेंट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी गोट। कुड यू टेक अस थ्रू द गोट। ये फहद भाई, ये बोर है। हाँ, इसका नाम है जबल। जबल, व्हाट डू मीन बाय जबल? जबल अरबिक में पहाड़, माउंटेन को बोलते हैं। अच्छा, इसीलिए वो जबल पूर जो रखा है हमारा अरब के इन्फ्लुएंस पे ही होगा। देयर अ लॉट ऑफ माउंटेन्स इन द करेक्ट। ओके, और अभी ये आठ दांत पे फुल। ओके, आठ दांत है। फ्रेश किया है क्या? बहुत नहीं, ये टाइम हो गया इसको आठ दांत करके। और ये अबाउट 90 kgs पे है अभी। 90 kgs है। यस। अच्छा, ब्लड लाइन प्योरिटी कैन यू? अच्छी ब्लड लाइन का है। देखो आप इसके पैर वैर देखो, एकदम छोटे पैर का है और माशाल्लाह। देखिए, आप लोग बोर पालते हो ना, तो आप लोग को पता चल जाता है कि प्योरिटी कैसी जी, है। जी, कान कोई नया बंदा जो होगा उसको क्या देखना चाहिए बोर में? बोर में इसकी हाइट देखते हैं। हाँ हाँ, कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज इट नॉर्मल एडल्ट बोर की नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए? एडल्ट बोर अभी देखो प्योरिटी पे है। जितना शॉर्ट बोर रहता है उतना अच्छी क्वालिटी का रहता है। आप बाहर देखोगे इम्पोर्टेड बोर वगैरह, इसकी हाइट बहुत शॉर्ट रहती है। ओके, ये 30-32 की हाइट का रहेगा बोर नॉर्मली। 32। ओके, ये वजन आपने कराया उसका? वजन अभी अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता सकता हूँ, 90 kgs के आसपास होगा। 90 kg अप्रोक्सीमेटली है। पूरे दांत किया हुआ है? पूरे दांत है। वेरी फैंसी हेयर कट। जो गले पे जो रिंकल्स आई है, हाँ, ये माशाल्लाह, व्हाट मेक्स इट वेरी यूनिक। यस। और द बेस्ट पार्ट इज इसकी जो सिंग है ना, ये इंटैक्ट है, देयर इज नो डैमेज टू द नो डैमेज। ये भी मैदान जंग में उतरता है क्या? नहीं 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 ना, नहीं नहीं। जब इतना अच्छा है, अभी कितने साल पाला आपने वैसे इसको? इसको एक साल हो गया होगा। सो व्हाई डू यू वांट टू सेल इट? आर यू अ ट्रेडर? वी आर नॉट ट्रेडिंग, बस शॉप रहता पूरा है। हो गया। हाँ। तो क्यों लेना चाहिए ये? कौन से लोगों को लेना चाहिए? कुर्बानी के लिए लेना चाहिए? कुर्बानी के लिए भी ले सकते हैं। ब्रीडिंग पर्पस के लिए लेता है? ब्रीडिंग के लिए भी ले सकते हैं, कुर्बानी के लिए भी ले सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए वजन काफी उतारना पड़ेगा इसका? थोड़ा उतारेंगे तो हो जाएगा ब्रीडिंग, वैसे तो हो जाता है। अच्छा, बोल जो है मैं जनरली देखा हूँ, बच्चे जो होते हैं दे सेल लाइक हॉट केक्स और अच्छी रकम में। हाँ। बट बोर जब अडल्ट हो जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू सेल। करेक्ट। क्यों ऐसी? व्हाट इज द मेन रीजन? रीजन ये रहता है कि मतलब जो ब्रीडिंग कर चुके होते हैं वो लोग सेल आउट कर देते हैं, और मतलब उन लोग को ऐसा लगता है कि हम दूसरे से अभी नस्ल बढ़ाएंगे। हाँ हाँ। तो ये उनको मतलब हो सकता है उनको ब्लड लाइन चेंज करना हो, या लोग कोई और परचेस करते हो, उसकी वजह से लोग फिर अपनी ब्लड लाइन चेंज करने के लिए फिर सेल आउट कर देते हैं। ओके, अभी इसका रिजल्ट आया है? आपने ब्रीडिंग कराया है? नहीं, हमने कुछ भी ब्रीडिंग वगैरह नहीं। यू डोंट हैव फीमेल्स? नहीं है यहाँ पे बोर? नहीं, फीमेल्स नहीं है कोई। ओके, ये बस शौक पूरा हो गया, दैट्स व्हाई यू गेट रिड ऑफ इट। यस। कितना पैसा मांग रहे हो? ये हम लोग इसका 90,000 मांग रहे हैं। 90,000? डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइबल? ऑफ कोर्स। हाँ, नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल। देखिए, मैं बोर का ये नहीं बोलूँगा कम है ज़्यादा है, बट बेस्ड ऑन द क्वालिटी, मैंने इसी क्वालिटी के बकरे, आई मीन बोर जो है वो मैंने लाखों में देखा हूँ। करेक्ट। सो आई विल नॉट काउंटर देम और क्वेश्चन देम। चाहे तो मैं ग्रिल भी कर सकता हूँ, बट ऑनेस्टली जो बोर के कदरदार हैं वो लेते ही है, लेते वो काफ़ी अच्छे दाम में लेते हैं। आई एम श्योर दिस इज नॉट योर फाइनल प्राइस। नो, दिस इज नॉट माय फाइनल, दिस इज नॉट योर फाइनल प्राइस। नेगोशिएट। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्लो मोशन में तो देख लिया, थोड़ा चला फिरा लोगे आप? क्या है, छोड़ छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, फिर पकड़ के लेके आ जाना। आदि भाई, वैसे आपके बकरे जो है वहाँ पर चलते हैं, राइट? सारे के सारे। हाँ। पूरा सेटअप है ये, कहाँ पे लोकेशन बताओगे? ये पर्सनली आके देखना है कोई आ सकता है तो? यहाँ पे अरेबिया होटल है। हाँ। अरेबिया होटल की लेन में है, इसको बोलते स्टार बेकरी। ये बड़ा सा टावर है उसके बिल्कुल ऑर्किड सामने। के ऑर्किड एनक्लेव के बिल्कुल सामने एक लेन है, बलवास के सामने एक एनक्लेव है, एनक्लेव के सामने एक लेन है, बस उसके पास ही है। और हमारे पास क्या क्या मिलेगा इन केस समबडी कॉल्स यू बोर में इंटरेस्टेड नहीं है? भाई, आपके पास इसके अलावा और क्या है? सानिन है, बोर है, बोर के मतलब बच्चे भी है हमारे फार्म पे। ओके, सानिन के बच्चे भी है। एंड यू आर अल्पाइन एज़ वेल? अल्पाइन है, वो शौक के लिए। वन ऑफ द बेस्ट, बिगेस्ट हो सकता है, हो सकता है बिगेस्ट हो, बिगेस्ट भी हो। ठीक है, विल डेफिनेटली कवर दैट इंशाल्लाह। ये तो अभी सब बनाने के चक्कर में थे, मैं बोला इनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी के बकरे हैं, डजंट मेक सेंस कि भाई उनकी वीडियो अंधेरे में सनसेट के टाइम पे बनाए, बिकॉज इट डिजर्व सेपरेट वीडियो। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए आपको? गनी भाई है, हमारे भाई है।
ये नंबर बताएंगे। गनी भाई आपका नंबर क्या है गनी भाई? 9619934878। 9619934878। अच्छा आपने कहा कि भाई आप सुबह में सोते हो तो आपको कॉल कभी करना चाहिए? सुबह में नहीं सोता भाई मैं, okay. कोई भी टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कीजिए इन्हें, इन केस ही डजंट पिक अप लीव अ मैसेज, हाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, 90,000 बताया अदीप भाई ने, नेगोशिएबल है प्राइस, कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। ठीक है, चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू।